जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी खंड विकास अधिकारी प्रतिदिन कम से कम दो दो गांव का भ्रमण करेंगे तथा वहां जो भी कमियां दिखे उसे तत्काल प्रभाव से ठीक कराएंगे। डीएम ने कहा कि इसी प्रकार जनपदीय अधिकारी 10 दिन के अंदर जनपद के 5-5 गाँव का निरीक्षण कर फोटोग्राफ जांच आख्या अति शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के वास्तविक निस्तारण हेतु संवाद आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करेंगे, तत्पश्चात क्षेत्रीय भ्रमण पर अवश्य निकले। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लॉक विकास का मुख्य कड़ी होता है। खंड विकास अधिकारी प्रतिमाह ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर उनसे संवाद स्थापित करे तथा शासकीय योजनाओं के संबंध में उन्हें जागरूक करे तथा जन जागरूकता हेतु योजनाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। शासकीय योजनाएं गरीबों के हित में संचालित की जाती हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, पीडी राम सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और ये और बाकी से समस्त विभाग जितनी इनको कर रहे तो चलिए सबका स्वागत है। अभी बस आज एक इनिशियल मीटिंग प्रोसेस एडियरेंस हम चाहेंगे। बिना प्रोसेस एडियरेंस के कोई भी आउटकम इस स्कीम का होगा, आपके डिपार्टमेंट का होगा, अभी नहीं प्राप्त होगा। कोई भी ब्लॉक का पीरियड होता है होते हैं तो 12-13-15 और हमारा मेन आदमी प्रधान है, दो तीन समितियां भी बनी है। अभी आप किसी गांव में जाएंगे तो इनमें से कितने लोग उपस्थित मिल जाए?